एफोरिज्म नंबर 6, यहाँ पर मास्टर हैनेमन ने हमारे ऑर्गेनन में कहा है कि द होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ सेवरल मेडिसिन मस्ट बी नोन, दैट इज टू से ऑल द मॉर्बिड सिम्टम्स एंड ऑल्टरेशंस इन द हेल्थ दैट ईच ऑफ देम इज स्पेसिफिकली कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इन द हेल्दी इंडिविजुअल मस्ट फर्स्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड एज फार एज पॉसिबल बिफोर वी कैन होप टू बी एबल टू फाइंड अमंग देम एंड टू सिलेक्ट सूटेबल होम्योपैथिक रेमिडीज फॉर मोस्ट ऑफ द नेचुरल डिजीजेस। तो यहाँ पर मास्टर हैनेमन ने स्ट्रेस किया है कि अगर हमें ड्रग प्रूविंग करना है, अगर हमें एक कोई नेचुरल डिजीज का क्योर करना है, तो पहले हमें एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स फोकस करना पड़ेगा तो उसके पहले वो जो मेडिसिन है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाई पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स? पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स का मतलब है दोस इफेक्ट्स और दोस पावर्स बाई विच सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग। कौन से ह्यूमन बींग? जो हेल्दी होते हैं। मतलब द पावर्स बाई विच सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द हेल्दी ह्यूमन बींग आर नोन एज पैथोजेनेटिक पावर्स। पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ सेवरल मेडिसिन मस्ट बी नोन। उन्होंने क्या डिफाइन किया है पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स को? All the morbid symptoms and alterations in the health that each of them is specifically developing in healthy individual. मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल में पहले हम लोग जब मेडिसिन देते हैं तब हम लोग देखते हैं कि एक morbid symptoms हम लोग देखते हैं, डिजीज सिम्टम्स हम लोग उस मेडिसिन का जो डिजीज सिम्टम है, ब्राइनिया का जो डिजीज सिम्टम है, वो हम लोग देखते हैं उस आदमी के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर एक ऑल्ट्रेशन देखते हैं। और वो जो सिम्टम हम लोग देखते हैं, वही सिम्टम को फाइट करने के लिए हम लोग ब्राइनिया देते हैं। हम लोग ने सेकेंड BHMS में ये भी पढ़ा था कि डिजीज कॉजिंग पावर इक्वल टू डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर। जो डिजीज को कॉज कर सकता है वही डिजीज को क्योर और प्रोड्यूस कर सकता है। डिजीज कॉजिंग पावर इज डिजीज क्योरिंग पावर। सो अगर हम लोग को सूटेबल होम्योपैथिक रेमिडीज फॉर मोस्ट नेचुरल डिजीज ये अगर फाइंड करना है, तो पहले हम लोग को जानना होगा पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ ऑल मेडिसिन। पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स का मतलब जिस इफेक्ट्स के बिना पर हम लोग मॉर्बिड सिम्टम्स एंड ऑल्टरेशन इन द हेल्थ क्योर कर सकते हैं, वही है पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स। और वो जानना हमारे लिए पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट दैट वी कांट इवन हैव द मेन प्लेन। हम लोग के लिए वो शस्त्र नहीं होंगे जिस शस्त्र के बिना पर हम लोग नेचुरल डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो आई गेस आई हैव बीन एबल टू डिफाइन यू 106 aphorism in a most simplified way। थैंक यू।